हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर का आरटीपी सॉल्व करेंगे। 2018 से लेकर के 2020 तक में 6 आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किए। सारे ही आरटीपी में रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर का क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि आरटीपी या एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पज। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होता है। अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर नहीं आता है तो पहले जब हम स्टडी मटेरियल को पढ़ाए हैं सारा इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड किए हैं कि रेक्टिफिकेशन किस किस स्टेज में होता है और किस तरह से होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद क्या आएंगे आरटीपी एमटीपी या पास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आरटीपी नवंबर 2020 क्वेश्चन है 4(b) में, द फॉलोइंग ईरर्स वेयर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीता दाइचेन। लिखा हुआ है कुछ ईरर हो गया है, अकाउंटेंट किसका है? गीता। तो हम बोले सर इन दी बुक्स ऑफ गीता डाइकेम में होगा। सबसे पहला, क्रेडिट सेल ऑफ रूपीज 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू दी क्रेडिट ऑफ दियर अकाउंट। बोल रहा है 400 रुपया का क्रेडिट सेल किए त्रिवेदी को, तो करेक्ट एंट्री क्या लिखेंगे? त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। गलती से क्या हो गया है, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिए। तो सर गलती मालूम चल गया कि उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया, सेल्स में कोई गलती नहीं हुआ होगा। और सेकेंड है, परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास थ्रू सेल्स डे बुक एज रूपीज 240। परचेज किए हैं 420 रुपया का किससे? मंत्री एंड कंपनी से। गलती से क्या हो गया है, सेल्स बुक से पास हो गया है 240 रुपया का। अब रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का, हाउ डू यू रेक्टिफाई द ईरर अज्यूमिंग दैट दे वेयर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ए, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले ईरर आइडेंटिफाई हो गया है तो कैसे ठीक करेंगे? हम बोले ठीक। दूसरा, दे वेयर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। बोल रहा है सेकेंड केस ये मान के बनाइए कि जो ईरर आइडेंटिफाई हुआ है वो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुआ है लेकिन फाइनल अकाउंट से पहले हो गया है आइडेंटिफाई। और तीसरा है, फाइनल अकाउंट बनने के बाद ईरर आइडेंटिफाई हुआ। मतलब हम लोग तीन केस हर क्वेश्चन के लिए बनाना पड़ेगा। हम लोग चलो ठीक है बनाते हैं। सबसे पहले नंबर एक बना रहे हैं, ये क्या है वर्किंग, ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता, इसको बना के नंबर नहीं आने वाला है। क्या इसको अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको डायरेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री आता है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, को बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको बना के छोड़ देंगे तो वो एक भी नंबर नहीं देगा। सॉल्यूशन कैसे बनता है हम लोग को पता है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, जो रेक्टिफाई में आता है वही वहां लिखा जाता है। हम बोले ठीक। चलो पहला नंबर क्या लिखा है, क्रेडिट सेल ऑफ 400। एंट्री बोलो, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट 400 टू सेल्स, ये होना चाहिए था करेक्ट। रॉन्ग क्या हुआ? बोल रहा है त्रिवेदी को क्रेडिट कर दिए, त्रिवेदी एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिए। क्या सेल्स में कुछ गलती बोला है? हम बोले नहीं, तो सेल्स अपनी जगह ठीक क्रेडिट होगा। आओ रेक्टिफाई करते हैं। सर सेल्स सेल्स कैंसिल, त्रिवेदी को डेबिट करना था हम नहीं किए, अब करेंगे। त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट 400 रुपया 400 रुपया, फिर ये रॉन्ग क्रेडिट है, ठीक करने के लिए इस त्रिवेदी को भी डेबिट करेंगे। तो दो बार डेबिट ना करके पैसा जोड़ लिए 800, क्रेडिट कुछ मिला? हम बोले नहीं। अब आते हैं तीन सिचुएशन, क्या क्या सिचुएशन था, बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक केस ये बनेगा, ये सॉल्यूशन है हम लोग का, बिफोर ट्रायल बैलेंस आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आइडेंटिफाई हुआ है तब क्या होगा? और तीसरा क्या क्वेश्चन बोला है, आफ्टर फाइनल अकाउंट। हम बोले हां, तीन सिचुएशन में पूछा है कि बताइए इसका रेक्टिफाई कैसे करेंगे। हम बोले सर अगर
बिफोर ट्रायल बैलेंस हो गया है तो वन साइडेड ईरर के लिए हम लोग एंट्री पास नहीं करते थे, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग क्या करते थे, स्टेटमेंट लिखते थे कि सर त्रिवेदी को डेबिट कर देंगे, तो डेबिट त्रिवेदी बाय 800 एंड कंपनी अकाउंट बाय रुपीज 800, स्टेटमेंट लिख करके हम लोग खत्म कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या लिखते थे, टू लगा के, क्योंकि डेबिट साइड कैसे रिप्रेजेंट होता है, टू से, तो सर हम लोग इसको टू लगा ले सकते हैं, टू त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट बाय रुपीज 800, इस तरह लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम बोले सर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आइडेंटिफाई होता है तो सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं वन साइडेड ईरर में। एंट्री त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट टू सस्पेंस 800 800। फाइनल अकाउंट बनने के बाद हम बोले सर फाइनल अकाउंट बनने के बाद बस यही डिफरेंस आता है कि अगर कोई नॉमिनल अकाउंट होगा तो उसको हटा करके पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे। हम बोले हां, क्या यहां कोई नॉमिनल है, हम बोले नहीं, तो बस यही होगा। फिर त्रिवेदी एंड कंपनी डेबिट 800 टू सस्पेंस, बीन रेक्टिफाइड एंट्री पास। लिखिए, ये था पहला। चलिए सेकेंड नंबर, पहले क्या कर लेंगे हम लोग, करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड, और उसके बाद देखेंगे कि बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट क्या इफेक्ट पड़ता, इसलिए मिटा दिए। चलो देखा जाए, नंबर दो क्या लिखा है क्वेश्चन में, परचेज फ्रॉम मंत्री, मंत्री से परचेज किए कितने रुपए का, 420। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे हैं, मंत्री, कितने रुपए का, 420। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, बोल रहा है गलती से खरीदने का सेल का एंट्री कर दिए, तो एंट्री क्या हो गया, मंत्री को डेबिट कर दिए और टू सेल्स लिख दिए, अमाउंट लिखे 240। आओ रेक्टिफाई करते हैं, परचेज को डेबिट करना था, नहीं किए हैं, कर दो, कितने रुपए का, 420। मंत्री को क्रेडिट करना था, नहीं किए, कर दो, रॉन्ग में आते हैं, मंत्री गलत है, डेबिट ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो, तो एक बार ये वाला क्रेडिट, एक बार ये वाला क्रेडिट, दो बार ना करके पैसा जोड़ लो, 660। सेल्स गलत क्रेडिट है, ठीक करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, 240। आओ रेक्टिफाई कर लिए। अब सॉल्यूशन में, अगर ट्रायल बैलेंस बनने से ये पहले ईरर आइडेंटिफाई होता तो एंट्री क्या होता, हमारे सर एंट्री होता क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये वन साइडेड ईरर है ही नहीं, कितने का, 420, सेल्स को भी डेबिट 240 और टू मंत्री 660। ये हम लोग फॉर्म में आते डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट करके। सेकेंड, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारे सर यही एंट्री होता, परचेज अकाउंट डेबिट 420, सेल्स अकाउंट डेबिट 240, टू मंत्री 660, और फाइनल अकाउंट के बाद, तो सर ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, इसके जगह पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मंत्री 660। ये होता है आंसर। क्या इस तीनों के लिए हम लोग अलग अलग फॉर्म बनाते हैं, हम बोले हां, फॉर्मेट मेंटेन करते हैं। लिखिए, नवंबर 2020 का क्वेश्चन खत्म। आइए मई 2020 का आरटीपी का क्वेश्चन,
द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ए कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज एंड ए सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस एग्रीड। तो क्वेश्चन में पक्का बात है कि सर ये जो एरर है वो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और फाइनल अकाउंट है, क्योंकि बुक्स क्लोज हो चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, फिर वो चार पांच एडजस्टमेंट दे दिया है, सात एंट्री करने का बात, नीचे का बात इंपॉर्टेंट है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सस्पेंस, हमको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा एक, एंड पास एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन, और बोल रहा है एंट्री भी पास कीजिएगा नरेशन के साथ फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एवर एरर इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ये एरर का रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है, आने वाले साल में, मतलब अगले साल में। तो फाइनल अकाउंट तो बन चुका होगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, क्यों कैसे मालूम चल रहा है, बोले सर सब्सिक्वेंट ईयर में रेक्टिफिकेशन होगा, तो पिछले साल में जो गलती हुआ है वो गलती रह गया, जो गलती रह गया है फाइनल अकाउंट बन गया है। अगर फाइनल अकाउंट बन गया है तो अब जो आप आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कीजिएगा, तो ध्यान क्या रखना होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ईयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट होगा सर, नॉमिनल अकाउंट को हटा करके उसके जगह में पीएल एडजस्टमेंट लिखिएगा। हम बोले हाँ, चलो शुरू करें। पहला नंबर, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 1000, सेल्स क्रेडिट होता है टू सेल्स, हमको जीरो लिखना था, कितना लिख दिए 1000, ओवरकास्ट हो गया है। ठीक, कैसे करेंगे, एंट्री में गलती नहीं है सर, पैसा में है, करेक्ट अमाउंट माइनस रॉन्ग अमाउंट, तो सर जीरो माइनस 1000 माइनस 1000, और हम लोग क्या सीखे थे, अगर माइनस आएगा तो वो अपना साइड को चेंज कर देगा, करेक्ट में जो था वो अपना साइड चेंज कर देगा, तो सेल्स क्रेडिट से कहां हो जाएगा डेबिट, हम बोले हाँ सेल्स तो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट कुछ मिला नहीं तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अब क्या इसमें कोई नॉमिनल है, हम बोले हाँ, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हो रहा है, तो सर जब सॉल्यूशन वाले पेज में जाएंगे तो हम बोलेंगे सर सेल्स मत लिखिए, क्या लिखिए, पीएल एडजस्टमेंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास नरेशन, ये तो हम लोग का हर बार का नरेशन रहता है, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, तो रेक्टिफाई हो गया। नंबर दो, ए सेल ऑफ 5000 टू एक्स, बोल रहा है एक्स को सेल किए तो एंट्री क्या होना चाहिए, एक्स डेबिट टू सेल 5000। आगे, वाज रॉन्गली डेबिटेड टू वाई, बोल रहा है गलती से वाई को डेबिट कर दी, तो रॉन्ग एंट्री क्या बना, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रेक्टिफाई करेंगे, सेल्स सेल्स कैंसिल, एक्स डेबिट करना था नहीं किए, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई गलत है क्रेडिट, तो एक्स को डेबिट कर देंगे, वाई को क्रेडिट कर देंगे 5000। बी, रेक्टिफाइड एंट्री पास। अब हम नरेशन नहीं लिखेंगे, हम छोड़ रहे हैं नरेशन, ये मानते हुए कि हम आप लोग लिख रहे होंगे। थर्ड नंबर, जर्नल एक्सपेंस 180 वाज पोस्टेड टू जर्नल लेजर एज 810, बोल रहा है जर्नल एक्सपेंस हुआ है कितने का, 180 का, तो करेक्ट में तो लिखना था 180, गलती क्या हुआ, बोल रहा है उसको आप लेजर में कितना पोस्ट कर दिए 810, क्या क्रेडिट में कुछ गलती हुआ होगा, हम बोले क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं बोला था, कोई गलती नहीं हुआ है, आओ ठीक करें, जर्नल एक्सपेंस डेबिट, सर डेबिट डेबिट एंट्री सही है, अमाउंट गलत है, ठीक करो, करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करेंगे, 180 माइनस 810 कितना बचेगा, 630 रुपीज माइनस में आया, तो डेबिट से कहां कर लिख देंगे, क्रेडिट में टू जर्नल एक्सपेंस, ऊपर में क्या लिखना है सस्पेंस, क्योंकि वन साइडेड इधर है, कितने रुपए का 630,
क्या हम लोग फायर अकाउंट के बाद आइडेंटिफाई की है? तो जर्नल एक्सपेंस क्योंकि नॉमिनल है उसको मिटाए क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट 630। लिखिए फोर्थ नंबर, फिर नंबर चार, ए बिल रिसीवेबल फॉर रूपीज 1550 वाज पास थ्रू बिल पेबल बुक, द बिल वाज गिवन टू बी। बोल रहा है एक बिल्स रिसीवेबल मिला है तो बी आर अकाउंट डेबिट 1550 टू पी 1550। गलती क्या हुआ? बोला कि गलती से आप बिल पेबल का एंट्री कर दिए तो पी अकाउंट डेबिट टू बीपी। रेक्टिफाई करेंगे, बी आर को डेबिट करना था नहीं किए, कर दो बी आर डेबिट 1550। पी को क्रेडिट करना था नहीं किए हैं, कर दो बीपी गलत क्रेडिट है ठीक करने के लिए रिवर्स कर दिए, पी गलत डेबिट है ठीक करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, दो बार क्रेडिट ना करके दोनों का पैसा जोड़ लो। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास, इसमें कोई भी नॉमिनल नहीं है। चलो नंबर फिफ्थ, लीगल एक्सपेंस 1990 पेड टू मिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। बोल रहा है लीगल एक्सपेंस का पेमेंट किए तो एंट्री क्या होना चाहिए था? लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए का? 1190। गलती क्या हुआ? बोला गलती से मिस नीतू का नाम से लिख दिए आप पर्सनल अकाउंट में। रेक्टिफाई करेंगे, कैश कैश कैंसिल, रेक्टिफाइड एंट्री लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हम बोले हां लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मिस नीतू 1190। क्या लीगल एक्सपेंस नॉमिनल है? हम बोले हां, तो इसको हटाए क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट 5 भी हो गया। 6 लिखो यहां तक। 6 लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला तो क्या एंट्री होना चाहिए था करेक्ट में? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कितना रुपया? 1500। गलती क्या हुआ? बोल रहा है गलती से श्याम को डेबिट कर दिए, कैश में कोई गलती नहीं हुआ, क्या गलती हो गया? हम श्याम को डेबिट कर दिए। आइए रेक्टिफाई करें, कैश कैश कैंसिल, राम को क्रेडिट करना था नहीं किए तो कर देंगे अब टू राम 1500। रॉन्ग में आए, कैश तो कट चुका, श्याम को कुछ करना ही नहीं था, ये तो गलत है, तो सर श्याम को भी क्रेडिट कीजिए क्योंकि वो गलत में क्रेडिट डेबिट है तो क्रेडिट ठीक कर लीजिए। तो सर श्याम रॉन्ग था, डेबिट साइड ठीक कैसे करेंगे? कैंसिल कर देंगे क्रेडिट करके, डेबिट कुछ नहीं मिला, क्या लिखें? सस्पेंस 3000। सेवेंथ नंबर एंट्री, क्या इसमें कोई नॉमिनल है? नहीं, कोई नॉमिनल नहीं है। 7 व्हाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ परचेज बुक टू द नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ 1235 वॉज रिटर्न एज 1325। क्या बोल रहा है? परचेज है कितने रुपए का? 1235। अगले पेज में जब हम लिखे तो गलती से हम परचेज को कितना लिख दिए? 1325। दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस? तो हम बोले सर एंट्री में गलती नहीं अमाउंट में गलती है, तो करेक्ट से रॉन्ग को माइनस कीजिए, तो 1235 माइनस 1325 कितना रुपया आएगा? 90 रुपीज का डिफरेंस, माइनस में 90 आ रहा है क्योंकि सर 1235 में माइनस करेंगे 1325 तो 90 रुपीज माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो जो आइटम डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज। ₹90 डेबिट कुछ नहीं मिला तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस पोस्टिंग का एरर। क्या परचेज नॉमिनल है? हम बोले हां, तो इसको मिटा के लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट
ये खत्म हुआ एंट्री, अभी क्या बनाना बाकी है? सस्पेंस अकाउंट, पहले यहां तक लिखो। चलिए सस्पेंस अकाउंट बनाना है, जितना भी रेक्टिफाइड एंट्री है उसमें सस्पेंस का अकाउंट देखिए। पहला एंट्री में क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय पीएल एडजस्टमेंट, नाम किसका लिखेंगे? सस्पेंस के, उल्टा में जो है 1000 रुपया। दूसरा एंट्री में सस्पेंस का नाम नहीं है। तीसरा एंट्री में सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे 2PL एडजस्टमेंट, कितने अमाउंट का? 630। उसके बाद चौथा एंट्री में सस्पेंस का नाम नहीं है, पांचवा में भी नाम नहीं है, छठा में है डेबिट साइड। क्रेडिट में कौन? हम बोले सर राम और श्याम का नाम है, सस्पेंस डेबिट है तो डेबिट साइड लिखें 1500। सातवां नंबर एंट्री में फिर से डेबिट है, 2PL एडजस्टमेंट, कितना रुपया का? 90। खत्म। आओ जोड़े 3720, 1000 माइनस कितना बचा? 2720 रुपया। क्या लिखेंगे इसका नाम? हम बोले सर जब पिछला साल जब ईयर हुआ था उस समय डिफरेंस आया होगा ट्रायल बैलेंस में, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्या ये बैलेंस बीडी है? हम बोले हाँ ये पिछले साल का बैलेंस बीडी है। लिखिए आरटीपी नवंबर 2019 में जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 2020 का, जो हम लोग अभी अभी स्टार्टिंग में सॉल्व किए थे, पहला क्वेश्चन नवंबर 2020 का वही सेम क्वेश्चन है नवंबर 2019 में। तो क्योंकि हम लोग पहले ही सॉल्व कर लिए हैं दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लिखिए इसको बात को, आरटीपी मई 2019 में रेक्टिफिकेशन से दो क्वेश्चन आए, एक है क्वेश्चन नंबर 3 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। पहले 3 का ए बनाएंगे। MS Suman and Company find the following errors in their books of accounts before preparation of trial balance. क्वेश्चन बता दिया है कि ये जो error है वो बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सर अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले इरर आइडेंटिफाई हो जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करेंगे। आइए पहला, परचेज ऑफ 5600 फ्रॉम MS मीनू एंड कंपनी, बोल रहा है मीनू एंड कंपनी से 5600 का गुड्स खरीदे हैं, वाज रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स ऑफ मिंटू एंड कंपनी, लिख किसमें दिए? मिंटू एंड कंपनी में, कितने रुपए का? 6500। डे बुक एंट्री हैज आल्सो बीन पास्ड इनकरेक्टली, बोल रहा है जो परचेज है उसमें भी ये गलती हो गया। हम बोले चलो सबसे पहला क्वेश्चन का नंबर लिख लो 3 का ए, पहला नंबर 1 करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? हम बोले करेक्ट एंट्री होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट, खरीद रहे हैं तो परचेज को डेबिट करना था, और जिससे खरीद रहे हैं हम बोले सर MS मीनू से खरीद रहे हैं एंड कंपनी, कितने रुपया खरीदे हैं? 5600। गलती क्या हुआ? बोला गलती से हम मीनू के जगह मिंटू लिख दिए और पैसा भी गलत लिख दिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिंटू एंड कंपनी लिख दी, कितने रुपए का लिख दिए? 6500। चलो रेक्टिफाई करें, परचेज को डेबिट करना था 56 से, कर दिए हैं 65 से। सर एंट्री में गलती नहीं है पैसा में गलती है, तो 56 माइनस 65 900 नेगेटिव आया, तो परचेज डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट टू परचेज 900। बोले हां मीनू एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, नहीं किए, कर देंगे मीनू एंड कंपनी, कितना? 56। रॉन्ग में आइए, परचेज का बात तो हो चुका, मिंटू गलत क्रेडिट है, ठीक कैसे करेंगे? डेबिट करके, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट, पहला खत्म। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या लिखा है? ए सेल ऑफ 9800 टू बंटू ब्रॉस, सेल किए किसको? बंटू को, तो सेल का एंट्री क्या होना चाहिए था? बंटू ब्रॉस अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का सेल किए हैं? 9800। आगे पढ़ो,
वॉज रिकॉर्डेड इन बिंदु एंड कंपनी, बोल रहा है गलती से आप किसमें लिख दिए हैं, बिंदु एंड कंपनी में, तो रॉन्ग एंट्री, एमएस बिंदु एंड कंपनी कितने रुपए का लिख दिए हैं, 8900, मतलब अमाउंट में भी गलती है, नाम में भी गलती है। बोल रहा है डे बुक में भी गलती हो गया, मतलब सेल्स में भी गलती हो गया, और रेक्टिफाई करें। बंटू लिखना था 98, नहीं लिखे, लिखो एमएस बंटू डेबिट, सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट किए लेकिन अमाउंट में गलती है, कितने रुपए गलती है, करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करेंगे तो प्लस में 900, प्लस में आया है तो जैसे था सेल्स क्रेडिट में वैसे ही रहेगा, साइड नहीं चेंज होगा। ये कितने का था, 98। बिंदु रॉन्ग डेबिट है, ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। रेक्टिफाई हो गया, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट। थर्ड नंबर, डिस्काउंट अलाउड 560 पोस्टेड टू कमीशन, बोल रहा है डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट डेबिट होता है, हम बोले हां कितने का, 560। गलती क्या हुआ, बोल रहा आप वहां कमीशन लिख दिए गलती से, कितने का, 560। क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं, हां डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन, आगे पढ़ लेते हैं। बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650 बिकॉज डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 92 बंटू ब्रॉस हैज बीन ओमिटेड, बोल रहा है 90 रुपया का बंटू को डिस्काउंट दिए हैं, उसका एंट्री करना ही भूल गए, तो मैं सर ये हुआ ए नंबर, इसी का बी नंबर, दूसरा एंट्री क्या गलत छूट गया हमसे, हम बोले सर बंटू लिखना था, डिस्काउंट दिए बंटू को तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बंटू कितने रुपए का, 90। गलती क्या हुआ, एंट्री नहीं किया, मतलब रेक्टिफाई करो, तो डिस्काउंट डेबिट करना था, नहीं किए थे, कर देते डिस्काउंट अलाउड, कमीशन गलत है तो क्रेडिट कर दो। उसके बाद ये वाला पूरा ही छूट गया तो पूरा उठा के लिख दीजिए, तो डिस्काउंट फिर डेबिट होगा तो दो बार डेबिट ना करके पैसा जोड़ लो, 650 टू बंटू, बंटू ब्रॉस कितने रुपए, 90 हो गया रेक्टिफाइड। तो इसे इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में क्या था, दो एंट्री था, दोनों कंबाइन कर लिए हम लोग। सर क्या अलग अलग लिखते गलत हो जाता, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कमीशन और फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बंटू, क्या गलत होता, हम बोले नहीं तब भी सही होता, तब आप ए और बी करके लिख देते इसका। फोर्थ नंबर, ए चेक ऑफ 9700 ड्रॉन बाय मिस्टर बंटू ब्रॉस हैज बीन डिसऑनर, बोल रहा है चेक है बंटू का वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या होना चाहिए था, एम एस बंटू ब्रॉस डेबिट टू बैंक, बोले हां कितने अमाउंट का, 9700 का होना तो ये चाहिए था, रॉन्ग क्या हुआ, बट रॉन्गली डेबिट टू भक्त एंड कंपनी, गलती क्या हुआ, जहां बंटू लिखना था वहां पर भक्त लिख दिए टू बैंक, बैंक में कोई गलती नहीं हुआ, रेक्टिफाई, बैंक बैंक तो कैंसिल, बंटू डेबिट करना था नहीं किए, डेबिट कर देंगे, भक्त क्रेडिट डेबिट गलत है, क्रेडिट रेट ठीक कर लेंगे, टू एम एस भक्त, लिखिए। आइए मई 2019 में सेकेंड क्वेश्चन भी है रेक्टिफिकेशन का, राइट आउट दी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग ईरर्स यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट, क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर वन साइडेड ईरर हो जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट यूज कर लीजिएगा, मतलब ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आइडेंटिफाई किया गया है वो ईरर है। पहला, गुड्स ऑफ द वैल्यू 10,000 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा हमको रिटर्न किया, एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू
मिस्टर शर्मा। कितने अमाउंट्स का गुड? 10,000। आगे पढ़ते हैं। वेयर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। बोल रहा है हम लोग सेल्स डे बुक में एंट्री कर दी, मतलब सेल्स को क्रेडिट कर दिए। टू सेल्स कितने रुपए का? 10,000। और क्या बोला? एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट, और शर्मा को भी क्रेडिट कर दिए। टू शर्मा। और रेक्टिफाई करें, सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं है तो डेबिट कर दो। सेल्स रिटर्न डेबिट 10,000। शर्मा क्रेडिट, शर्मा क्रेडिट कैंसिल। सेल्स गलत क्रेडिट है, ठीक करने के लिए डेबिट कर लेंगे। टू सस्पेंस, क्रेडिट साइड कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस लिख दिया। कितना अमाउंट? 20,000। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास। नंबर टू, सेकेंड, एन अमाउंट ऑफ 15,000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप्स हु रिटर्न द गुड्स। बोल रहा है 15,000 का सामान रिटर्न किया है मिस्टर फिलिप्स, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न डेबिट टू मिस्टर फिलिप। कितने अमाउंट का? 15,000 का। गलती क्या हुआ? बोल रहा है मिस्टर फिलिप को भी आप डेबिट कर दिए, मतलब सेल्स रिटर्न ठीक है अपने जगह पे, उसमें कोई एरर नहीं बोला है। क्वेश्चन बोला है मिस्टर फिलिप को हम क्या कर दिए? डेबिट। आओ ठीक करें। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कैंसिल। फिलिप को क्रेडिट करना था, नहीं किए, कर दो। ये वाला फिलिप डेबिट जो लिखे हैं वो गलत है। ठीक कैसे करें? क्रेडिट करके, दो बार फिलिप क्रेडिट ना करके पैसा जोड़ लो। 30,000 डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस। दूसरा भी खत्म। थर्ड नंबर, ए सेल ऑफ रुपीज 20,000 पेड टू मिस्टर घनश्याम, मेड टू मिस्टर घनश्याम। बोल रहा है एक सेल किए हैं मिस्टर घनश्याम को, एंट्री क्या होना चाहिए था? घनश्याम अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, कितने का? 20,000। आगे पढ़ते हैं। हैज बीन पोस्टेड, सॉरी, वॉच करेक्टली इंटर्ड इन दी सेल्स डे बुक। बोल रहा है सेल्स डे बुक में एकदम सही लिखा गया, मतलब सेल्स में तो ठीक ही लिखे 20,000, बट रॉन्गली पोस्टेड टू दी डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम 2,000। बोल रहा है गलती से डेबिट किसको लिखे हैं आप? राधेश्याम को। और कितना रुपया लिखे हैं? 2,000। आओ ठीक करें। घनश्याम डेबिट करना था, नहीं किए, कर दो। बीस हजार सेल्स, सेल्स कैंसिल। राधेश्याम डेबिट गलत है तो क्रेडिट करके ठीक कर लो। राधेश्याम कितना? 2,000 डेबिट, 2 क्रेडिट, कितना बचा? 18,000। क्या लिखेंगे? सस्पेंस। थर्ड नंबर खत्म। फोर्थ नंबर आओ पढ़े। बैड डेट अमाउंटिंग टू रुपीज 45,000 वेयर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल लेजर। क्या बोला? बोल रहा है बैड डेट हुआ तो क्या एंट्री होना चाहिए था? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 45,000। हम बोले हाँ। गलती क्या हुआ? बोल रहा है जर्नल लेजर में ही लिखा गया, मतलब बैड डेट में नहीं लिखा गया। तो हम बोले सर बैड डेट तो लिखा ही नहीं गया, डेटर में एंट्री कर चुके जो सेल्स लेजर बोल रहा है वो। रेक्टिफाई करो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और पांचवा नंबर,
द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 25,000 वॉज नॉट पोस्टेड. बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड किए, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है. कितने का? 25. बोल रहा है इसको पोस्ट ही नहीं की, तो रॉन्ग एंट्री में किए ही नहीं, तो रेक्टिफाइड डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस. बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट लिखो. आइए आरटीपी नवंबर 2018, उसमें रेक्टिफिकेशन का एंट्री नहीं करना है, उसमें पहचानना है कि ये रेक्टिफिकेशन किस तरह का, क्लासिफिकेशन करना है. क्या हम लोग पढ़े हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ओमिशन क्या होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ कमीशन क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब पढ़े हैं हम लोग. तो हम लोग बताना है कि सर कौन सा एरर है. अगर कुछ छूट गया तो एरर ऑफ ओमिशन है. अगर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल का गलती है, मतलब हमको जिस चीज को एसेट्स लिखना था उसको अगर हम एक्सपेंस लिखेंगे तो ये प्रिंसिपल ही गलत है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है. और अगर रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग का टोटलिंग रॉन्ग करके ट्रांसफर कर दिए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन. बस यही पहचान करना और कुछ नहीं. आओ पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बात है. क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्लासीफाई द फॉलोइंग एरर अंडर दी 3 कैटेगरी. 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करना है. एरर ऑफ ओमिशन कब होगा? सर अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना भूल जाइएगा, कुछ ओमिट कर दीजिएगा, तो वो एरर ऑफ ओमिशन है. एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन कब होगा? जब हम रॉन्ग अमाउंट लिख दें, रॉन्ग टोटलिंग कर दें, रॉन्ग डेबिट क्रेडिट कर दें, उसको क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन. और तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये कब होता है सर? ये मेनली तब होता है जब आप किसी फिक्स एसेट्स का एंट्री एक्सपेंस के साथ कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि सर प्रिंसिपल ही गलत है. जैसे हम एक मशीन खरीदे तो लिखना क्या चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट. गलती से हम लिख दिए परचेज अकाउंट डेबिट. तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल. बात ठीक. चलो पढ़ते हैं. सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट. फर्नीचर बेचे हैं और सेल्स के नाम से लिख दिए, क्या ये गलती है प्रिंसिपली? हम बोले हाँ. सेल्स तो गुड्स में लिखते हैं, फर्नीचर बेचे हैं तो फर्नीचर लिखना चाहिए था. तो हमें सर ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो पहला का आंसर क्या होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल पहला हो गया. नंबर 2, परचेज वर्थ रुपीज 4500 फ्रॉम एम नॉट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक. रिकॉर्ड ही नहीं किए तो क्या लिखेंगे? एरर ऑफ ओमिशन. तीसरा, क्रेडिट सेल्स रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक. सेल किए हैं गलती से परचेज में लिख दिए, सर ये एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन. क्या हम लोग जब बेसिक सीख रहे थे तब ये सब बात कर चुके हैं? हाँ ये सब बात कर चुके हैं. 4th नंबर, मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन दी जर्नल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड. एरर ऑफ ओमिशन. भूल गए आप. एरर ऑफ ओमिशन. 5th नंबर, गुड्स वर्थ रुपीज 5000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक 500. रॉन्ग अमाउंट लिखे हैं, गलती किसमें है? अमाउंट में. तो सर ये भी क्या है? एरर ऑफ कमीशन. बस इतना लिखना था. 5th नंबर लिखिए, आरटीपी मई 2018 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 2020 का ही है. इसका मतलब हम लोग जो नवंबर 2020 में क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन दोबारा कहां रिपीट है? आरटीपी मई 2018 में. तो क्योंकि वो क्वेश्चन बना चुके हैं, दोबारा बनाने का कोई लॉजिक नहीं बनता. लिखिए, इसी के साथ हम लोग का आरटीपी खत्म हो गया. आरटीपी में जितना भी रेक्टिफिकेशन और क्वेश्चन था हम लोग सारे के सारे बना चुके हैं. नेक्स्ट क्लास में क्या हम लोग बात कर रहे होंगे? एमटीपी से, कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एमटीपी से हम लोग बना पाते हैं या नहीं, वही देखना है. लिखिए.